दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करेंगे। दोस्तों, बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि a बटा दो बराबर b बटा तीन और c बटा चार, ठीक है, तो बराबर a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा है। हमें इन सब के बराबर जो है तो एक मान लेना है जिसको हम k मान लेते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पे इस प्रकार से कर लेंगे दोस्तों, बराबर k b बटा तीन बराबर k c बटा चार बराबर k, हमने k मान लिया दोस्तों। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, के मानने के बाद हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से कर लेते हैं, ए बराबर दो के, बी बराबर तीन के, सी बराबर चार के, ऐसे हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये के और ये के कट गया दोस्तों, ठीक है, बराबर है तो कट गया, तो कितना बचा दोस्तों यहाँ पे, दो अनुपात तीन अनुपात चार, यानी कि ए ए का अनुपात कितना आ गया दोस्तों, दो, बी का आ गया तीन, सी का आ गया चार, ठीक है दोस्तों, यही आ गया आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो इस प्रकार से है दोस्तों कि टू ए बराबर थ्री बी और चार सी बराबर ए अनुपात बी अनुपात सी, तो क्या होगा दोस्तों, मतलब कि जो है तो यहाँ पे दो ए बराबर तीन बी है बराबर चार सी बराबर ए और बी और सी का अनुपात क्या होगा दोस्तों, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम सीधे डायरेक्टली क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं इनका, इनको हम जो है तो जैसे जो ए है ये बी है ये सी है, इनको हम एक मान लेते हैं दोस्तों, जो ये अंग्रेजी वाले अक्षर हैं दोस्तों इनको हमने एक मान लिया है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इनका एलसीएम ले लेते हैं, दो तीन और चार का एलसीएम ले लेते हैं, तो तीन दोना छः दोनी बारह हमको एलसीएम मिला दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भाग दे देते हैं इसका जो है, तो इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे, जो आएगा उसका हम इसमें गुणा करेंगे दोस्तों, तो दो छक्के बारह, छः कम छः आ गया दोस्तों, तीन चार कम चार आ गया दोस्तों, चार त्याई बारह, तो तीन का हम इसमें गुणा करेंगे तो तीन आएगा दोस्तों, यानी कि छः अनुपात चार अनुपात तीन आया दोस्तों, तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है दोस्तों यही है, छः चार तीन, ये हमारा जो है आंसर आ गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार से है, तीसरा क्वेश्चन कि ए अनुपात बी बराबर एक बटा दो, बी अनुपात सी बराबर एक बटा अनुपात तीन, सी अनुपात डी बराबर दो अनुपात तीन, तो ए बी सी और डी का जो है तो अनुपात बताना है दोस्तों कि इनका अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों, हम इनको जो है तो ट्रिक से सॉल्व करते हैं, इसकी ट्रिक इस प्रकार से है, इसको हम इस प्रकार से रखते हैं, एक अनुपात दो, एक अनुपात तीन, दो अनुपात तीन, है ना दोस्तों, इस प्रकार से हमारे रख है, एक गुणे दो, फिर अनुपात दो गुणे एक गुणे दो हो जाएगा दोस्तों, फिर अनुपात दो गुणे तीन गुणे ये वाला दो हो जाएगा दोस्तों, फिर दो गुणे तीन हो गया दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों इसको अलग और इसको अलग दोस्तों क्या है, कटता है तो हम काट देंगे दोस्तों, यहाँ पे गुणे है, यहाँ भी गुणे में है दोस्तों, तो ये अगर कट रहा कोई भी संख्या से हम काटेंगे वो तीनों चारों में चारों हैं, चार के चारों में जो है तो कटनी चाहिए दोस्तों। जैसे हम दो से इसको काटे, एक दो इसका काटे, एक दो इसका काटे और एक दो इसका काट दिए दोस्तों। अब हम तीन से काटते तो तीन इसमें और इसमें बसा, इसमें है ये नहीं है दोस्तों, एक काटे तो एक इसमें है ये नहीं है, तो हम सीधे इसका गुणा कर लेते हैं, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक का हो गया अनुपात, एक का गुणा दो में करेंगे तो दो आ जाएगा, दो को गुणा तीन, तीन का गुणा दो में करेंगे तीन दोना छः हो जाएगा, और तीन का गुणा तीन में करेंगे तीन त्रिकोण नौ आ जाएगा, ये दोस्तों हमारा जो है तो फाइनल आंसर आ गया, ए बराबर एक, बी बराबर दो, सी बराबर छः, डी बराबर नौ दोस्तों, ये आ गया हमारा आंसर दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार से है, ए बटा तीन है बराबर बी बटा चार के और सी बटा सात हो, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा सी,
क्या होगा दोस्तों, इसके बराबर क्या होगा? तो इसको दोस्तों हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं कि डायरेक्टली हम जो है तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, रख लेते हैं इस मान में हम इसको रख लेते हैं, क्योंकि जो है तो ए बराबर 3 है, तो हम यहाँ पे 3 रख लेते हैं 3। बी बराबर कितना है? 4 है, तो 4 रख लिए। सी बराबर कितना है? 7, तो हम 7 रख लिए। ठीक है, जितना रख लिए। अब इतना रखने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, सी का मान रख लेते हैं दोस्तों, 7 है तो सी का मान 7 रख लिए। अब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 4 3 7, 4 11, 7 4 11 3, 14, 14 बटा 7, तो 7 1 7, 7 2 14, यानी कि 2 आ गया दोस्तों। कितना आ गया उसके बराबर? कितना आ गया? 2। यही दोस्तों आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से है कि ए अनुपाते बी बराबर 2:3, बी अनुपाते सी बराबर 9:7, तथा सी अनुपाते डी बराबर 14:15 हो तो ए बी सी डी का अनुपात पूछा है दोस्तों। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? इसको हम दोस्तों वही ट्रिक अपनाएंगे दोस्तों जो हमने अभी एक पिछले सवाल में की है दोस्तों। देखिए ऐसे 2:3, 9:7 और 14:15 दोस्तों। अब इसको हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 2×9×14 ना दोस्तों, फिर इसको हम इसमें गुणा करेंगे, 3×9×, फिर ये वाला 14, फिर 3×7×14, फिर लेंगे 3×7×5। अब हम जो कटता है तो काट देंगे दोस्तों, जैसे 2 से कट रहा कोई, 2 से नहीं कट रहा, 3 से कट रहा दोस्तों। 1×3 ये कट गया, 1×3 ये कट गया, 1×3 ये कट गया, 3 3 से कट गया दोस्तों। अब यहाँ पे जो है तो हम क्या करते हैं इसको, ये 14 है, ये 14 है, ये 14 है, तो 7 से कट जाएगा, 7 1 7, 7 2 14, 7 2 14, 7 2 14। मतलब कोई भी संख्या से हम काटे तो 4 के 4 खानों में जो है तो कटनी चाहिए दोस्तों। अब हम गुणा कर लेते हैं, नहीं कट रहा कोई तो, कि कट रहा है, 3 से कट जाएगा क्या? ये 3 से ये कटेगा, तो ये वाला नहीं कटेगा, कोई नहीं कटेगा, तो हम गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया दोस्तों, 9 दूना 18 हो गया दोस्तों, 7 दूना 14 हो गया, 5 1 5 हो गया दोस्तों। यानी कि ए बराबर 12, बी बराबर 18, सी बराबर 14 और डी बराबर 5 आया दोस्तों। यही है हमारा फाइनल आंसर दोस्त। क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो 6 है वो इस प्रकार से है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कि एक्स अनुपाते वाई बराबर 2:5 हो तो 3x+2y+2x+5y बराबर क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको हम क्या करते हैं दोस्तों कि इसका एक बार गुणा हम इसमें करेंगे और इसका एक बार गुणा इसमें करेंगे, तो हम कर लेते हैं दोस्तों, 3×2 ये वाला अनुपात, फिर 2 का इसमें करेंगे, 2×5 है ना दोस्तों। और इतना करने के बाद जो है तो दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, ये अच्छा ये प्लस है, ये वाला प्लस है, इसलिए हम यहाँ प्लस रखेंगे दोस्तों, अब अनुपात यहाँ रखेंगे। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों एक बार इसमें, तो 2×2 हो जाएगा, प्लस 5×5 25 हो जाएगा दोस्तों। इसका गुणा जो है तो हम इसमें किए और इसका गुणा हम इसमें किए है ना दोस्तों, तो 3×2 6 हो गया, प्लस 5×2 10, अनुपाते 2×2 4 प्लस 25, तो 6×4 10, 10×6 16 हो गया अनुपाते, और 25×4 29 हो गया। यह हमारा फाइनल आंसर आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो है तो 7th है वो इस प्रकार से है दोस्तों कि x^y 3:1 हो तो x³ - y³ + x³ बराबर क्या होगा दोस्तों। तो इसको हम इस प्रकार से रख लेते हैं दोस्तों, यही फार्मूले पे हम इनको रख देते हैं दोस्तों। एक्स का मान क्या है दोस्तों, तो 3 है, तो 3 और ये क्यूब हो जाएगा, और वाई का मान क्या है दोस्तों, 1 है, तो हम 1 और क्यूब कर लेंगे दोस्तों। अनुपात एक्स का मान 3 है तो 3 कर लिए और 3 का क्यूब हो गया, और वाई का मान 1 है तो 1 का क्यूब हो गया दोस्तों है ना। अब इसको जो है तो सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो 3 3 3, ये 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब होता है दोस्तों 27, और 1 का क्यूब वही होगा दोस्तों, तो हम यहाँ रख लेते हैं, इसका भी 27 ही होगा, और यहाँ पे हम जो है तो प्लस करके 1 रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा 26 अनुपाते
कितना हो जाएगा 28। अब अगर ये कट रहा तो हम काट देते हैं, 2 13 26, 2 14 हम, तो हो जाएगा 13 14। दोस्तों ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इस सवाल। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो इस प्रकार से है दोस्तों, एक्स बटे 5 बराबर 22/8 हो तो एक्स प्लस 5 अनुपात 22/8 बराबर क्या होगा दोस्तों। तो हम जो है तो दोस्तों ये एक्स और 5 है ना दोस्तों, एक्स बटा 5, तो हम इसको ये मान सकते हैं कि एक्स बराबर 5 है और वाई बराबर 8 है दोस्तों। एक्स बराबर 5 मान लेते हैं, वाई बराबर 8 मान लेते हैं दोस्तों, मान लिए हम। अब जो ये एक्स प्लस ये जो रखा गया है दोस्तों, तो इसको हम ऐसे रख लेते हैं, एक्स प्लस 5 और अनुपात वाई प्लस 8, इतना रख लिए दोस्तों। इतना तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें तो कुछ किए नहीं हम। अब देख लेते हैं दोस्तों जो ये एक्स का मान है, तो एक्स का मान कितना दिया है, 5 दिया है दोस्तों, तो रख देते हैं। ये एक्स का मान कितना है, 5 है, एक्स की जगह रख देते हैं, रख दिए दोस्तों, ये 5 ऑलरेडी रखा है दोस्तों। अनुपात बाई का मान 8 है, तो हम बाई के बदले यहाँ पे 8, क्योंकि बाई का मान 8 है, तो बाई की जगह हम 8 रख दिए दोस्तों। ये और ये वाला 8 ये हो गया, तो 5 5 10 हो गया दोस्तों, 8 8 16 हो गया, कटेगा 2 5 2 8, यानी कि 5 8 आ गया दोस्तों, यही आ गया हमारा फाइनल आंसर दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है कि 2a + 3b अनुपात 3a - 2b बराबर 19:9 हो तो a - b बराबर क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम जो है तो डायरेक्टली इसको जो है तो क्या करते हैं दोस्तों, इसका और इसका और इसमें जो है तो हम तिरिया गुणा कर देते हैं ऐसे दोस्तों, 2a + 3b बटा 3a - 2b बराबर 19/9, और तिरिया गुणा कर देते हैं, तो गुणा करते हैं दोस्तों, तो 9 18a + 9 3 27b बराबर 19 57 - 19 38 57a और 38b हो गया। तो अब ए ए को अलग कर देंगे, बी बी को अलग कर देंगे, तो यहाँ हम अलग कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है तो जो हमारा ए 18 है ना, तो हम 18a - 57a ले लिए दोस्तों, बराबर के ले लेंगे जो है तो 38b + 27b है ना दोस्तों, ये वाला 27b, ये वाला 38b और ये वाला 18 है और ये 57 है। अब इसको हम घटाते हैं दोस्तों, तो इसको अब हम जब घटा देंगे तो हो जाता है हमारा 39 दोस्तों, 39 आ गया। और इसको जब हम जोड़ते हैं तो कितना आ गया दोस्तों, 39 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया दोस्तों 65 आ गया, कितना आ गया 65, तो बराबर हो जाएगा 39 और 65 है दोस्तों, तो ये अभी कट जाएंगे, 13 13 13 5 बराबर हो जाएगा 3:5 दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा वह ऐसे है, 3a + 5b 3a - 5b बराबर 5:1 हो तो a - b, a और b का अनुपात बताना है दोस्तों। तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपली गुणा कर लेते हैं, 3a + 5b / 3a - 5b बराबर 5/1, इनका तिरिया गुणा कर देते हैं, तो 3a + 5b हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा दोस्तों, 15a - 5 25b हो जाएगा दोस्तों। अब ए ए को अलग कर लेते हैं, बी बी को अलग कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a हो जाएगा -15a, 3a - 15a हो गया दोस्तों, बराबर के हो जाएगा 15a - 25b है ना दोस्तों, ये वाला जो है तो 25b, ये वाला 5b, ये वाला 15a आ गया इधर, और 3a ये ऑलरेडी है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जो है तो इसका तिरिया गुणा कर लिए हैं, तिरिया गुणा करने के बाद हमें इतना मिला है, इतना करने के बाद हम जो है तो ए ए को अलग कर लिए और बी बी को अलग कर लिए, तो ए को हम ऐसे रख लिए, बी बी ये हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे हम जो है तो घटा लेते हैं, तो यहाँ पे आता है -12a बराबर -30b, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे a / b बराबर हो रहा है अपना, कितना आ रहा है,
तीस बटा बारह, यानी कि 30/12 मिला है, अभी ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2 15, हम 2 6 2 3 3 2 3 5, यानी कि 5:2 आ गया दोस्तों आंसर, फाइनल आंसर। इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले।